बापू जी के तीन बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। बापू जी के तीन बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। बिल्कुल रत्नाकर जी कह रहे सेबी का भी वही हाल हो गया, ना बुरा देख रही है, ना बुरा बोल रही है, ना बुरा कह रही है। तो इसलिए ये हिडन बग की रिपोर्ट झूठी है या सच्ची है कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो शेयर बाजार को लेके शेयर की जो आजकल जो चीजें चल रही हैं, पहले चीज तो मैं बता दूं कि मैं ना तो मैं अडानी जी का वकील बन के आया हूं, ना मैं उनका हितैषी बन के आया हूं, मैं केवल अपनी पार्टी की तरफ से बात रखने आया हूं। नहीं नहीं, आप अपनी बात रखिए, आपको किसने बोला कि आप अडानी जी के प्रवक्ता हैं? नहीं, मैं आज सुबह से चल रहा है ना कुछ चीजें, तो इस चीजें मैंने पहले बोलना अच्छा लगा। ये जो मेरे साथ बैठे कांग्रेस के साथी बैठे हैं, जो ये लंबी लंबी बातें बता रहे हैं, आज क्या ये अडानी और जो मोदी जी का जो साथ बता रहे हैं, क्या इनके साथ नहीं रहे? इन्होंने क्या नहीं करा? ये क्या, अगर कोई चीज शेयर अगर गिर गए तो उसे आप क्या घोटाला, उसे घोटाला का नाम देंगे? जब आरबीआई ने जांच बैठाने का काम शुरू कर दिया है तो सबर नहीं है इन्हें? आज कितनी इज्जत रखी इन्होंने, आज पार्लियामेंट के अंदर मेहमान आए हुए थे अफ्रीका से, तो देखिए बेशर्माहट है इनकी। घर की लड़ाई घर में रहती अच्छी रहती है, उसी दुनिया में गलत मैसेज भी जा रहा है ना प्रदीप जी। अगर उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर विश्व के शेयर मार्केट पे इसका प्रभाव पड़ा है, शायद जो पता नहीं होगा। नहीं, वो कह तो रहे हैं शेयर मार्केट का तो जिक्र कर रहे हैं प्रदीप जी, पूरे विश्व के शेयर मार्केट पे जिस तरह से इनका स्टॉक टूटा है, पूरे विश्व के शेयर मार्केट पे प्रभाव पड़ा है, तो वो लोग समझ रहे हैं। ठीक, रत्नाकर जी, रत्नाकर जी की बात का जवाब दे दीजिए प्रदीप जी, फिर हमारे साथ अरविंद जी भी जुड़ रहे हैं, प्लीज जोड़ दीजिए। रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, ऐसा है जब आप ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि पूरे विश्व के शेयर बाजारों पे अगर असर पड़ा है तो देश में भी असर पड़ा है, ये तो शेयर बाजार कहीं ज्यादा कहीं गिरते हैं। देखा हमने आपके टाइम में भी, जब हर्षद मेहता जब बहुत बड़े शेयर ब्रोकर थे तो क्या हुआ था कि देश दिवालिया के एकदम दीवार पे जगह एक बाउंड्री बजाय खड़ा हो गया था। कितनी मेहनत करी सबने मिलके, क्या आपको विपक्ष के नाते हमने क्या आपको घर से बाहर निकाल दिया?